दोस्तों, आपने टेस्ट क्रिकेट में कई खिलाड़ियों को डबल सेंचुरी लगाते हुए देखा होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि आखिर किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाई है। सही बात है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 4 वीरेंद्र सहवाग। दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद है, जिन्होंने साल 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्हीं के घर में खेले जा रहे एक टेस्ट मैच में मात्र 182 गेंदों में डबल सेंचुरी लगा दी थी। नंबर 3 वीरेंद्र सहवाग। दोस्तों, इस लिस्ट में एक और बार वीरेंद्र सहवाग का ही नाम है, जिन्होंने साल 2009 में एक और बार मात्र 168 गेंदों में डबल सेंचुरी लगाई थी, लेकिन इस बार सामने पाकिस्तान नहीं बल्कि श्रीलंका की टीम थी। नंबर 2 बेन स्टोक्स। दोस्तों, इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने साल 2016 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए एक टेस्ट मैच में मात्र 163 गेंदों में डबल सेंचुरी बना डाली थी। नंबर 1 दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज डबल सेंचुरी न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी नेथन एस्टल ने लगाई है, जिन्होंने मात्र 153 गेंदों में डबल सेंचुरी लगा दी थी।